हेलो फ्रेंड्स, जोहार, नमस्ते। मैं हूँ प्रियदर्शनी। मेरे चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम है, यहाँ पर मैं ना पौधों को पानी दे रही थी। और ये देखो, ये है सूखा महुआ जो हमने सुखाने के लिए रखा था, उसको पैक करके बस्ते में रखा है। उसका खाना रेडी है, तो चले चलते हैं देने के लिए। चलो 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 मेरे पास ऐसे दो मस्कवी डक हैं, और ये मेल वाला डक है। फीमेल वाला डक को मैंने पहले से ही खाना दे दिया था। इस तरह के डक, मतलब बतख को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ, हमारी बोली में हम बोलते हैं डाही गेड़े। गेड़े मतलब बतख। घर का जितना छोटा मोटा काम था डेली रूटीन का, वो सब मैंने ख़त्म कर लिया है। और अभी मैं नहा धो के छत पे आ गई हूँ। जितने कपड़े थे हस्बैंड के, बेटे का और मेरा, सब मैंने धो के छत पे अभी सूखने के लिए डाल रही हूँ। और आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं ना, जो पत्ते हमने सुखाए हैं वो तेंदू के पत्ते हैं। ये सब सूखने के बाद अच्छे से अगर उसके ऊपर एक रंग आ जाएगा तब हम इसको बेचेंगे, इसलिए सुखाया है। घर में बहुत है, तो मैं ना बहुत दिनों से सोच रही थी कि टमाटर का अचार बनाऊं, इसलिए मैं आज टमाटर जो है वो तोड़ रही हूँ। और मैंने बहुत दिनों से लगाए थे और टमाटर भी लग गए थे, आ गए थे। कुछ तो मैंने सब्जियों में यूज़ कर लिया है और कुछ अभी बाकी है, तो मैं सोच रही हूँ कि टमाटर का अचार बनाऊँ। बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए टमाटर तोड़ लेते हैं। मैंने जो ये टमाटर के पौधे उगाए हैं ना, इनके लिए मैंने मार्केट से कोई भी सीड्स ख़रीदा नहीं है। मैं जो किचन में टमाटर सब्जियों में यूज़ करती हूँ, उन्हीं टमाटर से थोड़े थोड़े बीज इकट्ठा करके मिट्टी में डाला करती थी, तो उसी में से ही ये पौधे उगे हैं। पता नहीं क्यों ये पौधे के पत्ते धीरे धीरे सूख रहे हैं। और शाम को भी पानी देती हूँ और सुबह में भी पानी देती हूँ। शायद बहुत धूप हो रही है ना, इसलिए अभी तो गर्मी बढ़ रही है धीरे धीरे करके, और ऊपर से मैंने छत पे लगाया है। टमाटर का अचार बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ लगभग 1 किलो टमाटर, जो मैंने अभी तोड़ा था। और ये टमाटर को अच्छे से धो लिया है और धो के पोंछ भी लिया है अच्छे से। टमाटर का अचार बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ सरसों के दाने, जीरा, मेथी के दाने, सौंफ, हींग, लाल मिर्च, 4-5 कलियाँ लहसुन, इमली का पल्प, गुड़, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, सरसों का तेल और करी पत्ता। सबसे पहले मैं सारे टमाटर को इस तरह से स्लाइस करके काट दूँगी। सारे टमाटर काट के मैंने रेडी कर लिया है और अभी मैं चूल्हे में ही ये अचार बनाने वाली हूँ। इस लड़के को देखो, ये रहा बेटा। मामा का मैं हेल्प कर रहा हूँ। मामा का ये हेल्प कर रहा है। और आज हम बनाने वाले हैं टमाटर का अचार। अचार उसके लिए मैं सहानी कर रही हूँ। क्या कर रही हो? काम कर रहे हो? कढ़ाई गर्म हो गया, तो अभी हम डालेंगे थोड़ा 2 चम्मच भर तेल। तेल गर्म होते ही मैंने जो टमाटर काट के रखा था ना, वो अभी डाल के थोड़ा चला लेती हूँ।
पूरी तरह से सॉफ्ट होने तक पकाऊंगी। और टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए मैं यहाँ पर 15 मिनट तक ढककर पकाऊंगी। मैं गांव में रहती हूँ ना, इसलिए चूल्हे में खाना बनाने का आदत सब पड़ गया है, अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास गैस चूल्हा नहीं है, है मेरे पास गैस चूल्हा है। आप अगर गैस में ये अचार बनाना चाहते हो तो मीडियम आँच में ही रखिएगा आँच। कैसे पसंद आएगा? अच्छा तो हमने बनाया नहीं है, कैसे पसंद आएगा? बना पड़ेगा, पहले हम अचार बनाएंगे फिर दिखाएंगे आप सबको, और आप लोग भी घर में ट्राई करना बनाना और कमेंट करके बताना कि अचार कैसे बनाए, है ना? कमेंट करोगे, लाइक की वीडियो लाइक कर दोगे, और वीडियो को लाइक कर देके और क्लिक करना, बेल आइकन को क्लिक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आ देखो देखो आ तू कैसे आचार बना रहे हो, हम कैसे आचार, हम कैसे आचार बना रहे हैं, तो देखो हम कैसे आचार बना रहे हैं। लाइक लाइक वीडियो लाइक स्टार्ट करेंगे, अभी तो हो चुका है, अभी ये अचार परफेक्ट है, करना जरूर ट्राई करना, ये अचार भी हिट करेगा। तो कैसा पता चलेगा आपको सोचा अचार टेस्टी बनाता कि नहीं, है ना? है ना, है ना। मैंने टमाटर को 15 मिनट तक पकाया है, टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। अभी टमाटर को अच्छे से मैश करते हुए पकाएंगे और इसमें जो पानी निकल रहे हैं ना वो ख़त्म होने तक पकाएंगे। और उसके बाद अभी मैं इमली का पल्प डाल रही हूँ। और ये है लिक्विड वाला गुड़, और ये गुड़ डालकर मैं 2 मिनट तक चलाऊंगी। इसमें हमने इमली और गुड़ डाला है ना, तो खट्टा मीठा का एक टेस्ट आएगा इसमें। और 2 मिनट तक चलाने के बाद ये अच्छे से पक गए हैं। अभी ठंडा होने के लिए इसको निकालेंगे। कढ़ाई गरम है ना, इसलिए जल्दी जल्दी ठंडा तो होने वाला नहीं है, इसलिए मैं अलग बर्तन में टमाटर का जो मिश्रण है इसको मैं निकाल रही हूँ। और भी जल्दी जल्दी ठंडा होने के लिए मैंने और एक आइडिया किया है। मैंने थाली में पानी लिया और उसमें ही मैंने ये बर्तन को रख दिया। इससे क्या होगा कि जल्दी और भी जल्दी जल्दी ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद एक मिक्सचर में हम ग्राइंड करेंगे इसको। अभी फिर से कढ़ाई में 2 कप सरसों का तेल ले रही हूँ मैं, और तेल अच्छे से गर्म होते ही 2 चम्मच सरसों के दाने डाल रही हूँ, और 2 चम्मच जीरा डाल रही हूँ, और उसके बाद 1 छोटे चम्मच मेथी के दाने डाल रही हूँ। तो तेल बहुत गर्म है, कहीं ये सब जल ना जाए इसलिए मैंने चूल्हे से कढ़ाई को उतार लिया है। उतारने के बाद ही मैंने जल्दी जल्दी 4-5 लाल मिर्च और उसके बाद 5 लहसुन की कलियाँ ऐसे डाला है, और उसके बाद हम डालेंगे कड़ी पत्ता। और कड़ी पत्ता बहुत सावधानी से डालें, क्योंकि कड़ी पत्ता डालते ही तेल छिड़कने लगते हैं। उसके बाद सौंफ और ज़रा सा हींग मैं डाल रही हूँ, और मैंने जो टमाटर ग्राइंड करके रखा था ना अभी इसमें डाल के अच्छे से चलाएंगे। मैं ना अचार वगैरह कभी भी नहीं बनाती, कभी भी नहीं, क्योंकि जब मुझे अचार वगैरह चाहिए होता है तो मैं मायके से ले आती हूँ, वहाँ से मिल जाता है। और सासू माँ तो कभी बनाती नहीं है, क्योंकि घर में यहाँ पर ना किसी को अचार खाना इतना पसंद नहीं है, और इसलिए मैं पहली बार बना रही हूँ तो मुझे लगा कि तेल कुछ ज़्यादा हो गया है, लेकिन नहीं, ठीक ही बना था, अच्छा बना था। और अभी मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, और उसके बाद 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1.5 चम्मच के बराबर नमक डालकर अच्छे से चलाएंगे। अभी देखो टमाटर से तेल कैसे अलग हो रहे हैं। अब हमारा अचार बनके रेडी है। अब मैं अचार को पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी, और इस तरह का ग्लास कंटेनर है मेरे पास, तो इसी में ही मैं भरूंगी, अचार को भरूंगी। और ये 10 दिन तक बिना फ्रिज में रखे हम खा सकते हैं। गांव में हमारे पास फ्रिज नहीं है, इसलिए बीच बीच में मैं
धूप में ये अचार को दिखाते रहूँगे ताकि ये एक महीने तक चल जाए। अभी मैं मेरी काकी सासू माँ को चखने के लिए दे रही हूँ। उन्होंने भी खाया, चखा और उनको भी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और चटपटा सा, खट्टा भी है, मीठा भी है और तीखा भी। और वो ना ग्लास कंटेनर को, अचार के कंटेनर को ऐसे छू के देख रही थी कि ठंडा है कि गर्म है। वो सोच रही थी कि गरम गरम ही शायद मैंने कांच के कंटेनर में भर दिया है, लेकिन उन्होंने देखा और बोला नहीं नहीं ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूँगी और एक वीडियो में। तब तक के लिए बाय।